रुक करते हैं बड़ी खबर का। जयपुर में रीट परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने किया फर्जीवाड़े का खुलासा। परीक्षा से पहले फर्जी परीक्षार्थी समेत दो युवतियों को पकड़ा। किसान छात्रावास से पकड़ा गया दोनों युवतियों को। युवतियों का नाम है प्रमिला और अनन्या विश्नोई। मूल रूप से जालौर की रहने वाली है दोनों युवतियां। किसान छात्रावास में रहकर रीट की तैयारी कर रही। प्रमिला की जगह अनन्या विश्नोई देने वाली थी रीट परीक्षा। दोनों के पास से फोटो लगे हुए फर्जी एडमिट कार्ड भी बरामद। 10 लाख रुपए में तय हुआ था ये पूरा सौदा। साल 2019 से दोनों एक साथ रह रही थी किसान छात्रावास में। पकड़े जाने के बाद दोनों युवतियों ने कबूल किया अपना गुना। सिंधी कैंप थाना प्रभारी गुंजन सोनी ने की कार्रवाई। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य लोगों से कर रही पूछताछ। तो देखिए ये बड़ा खुलासा। रीट की परीक्षा होने से पहले ये जो बड़ा फर्जीवाड़ा है उसका खुलासा हो गया है। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है और सिंधी कैंप थाना प्रभारी गुंजन सोनी ने की है कार्रवाई। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पूछताछ कर रही है। तो ये काफी बड़ा फर्जीवाड़ा जिसका खुलासा हो चुका है। जयपुर में रीट की परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने किया फर्जीवाड़ा का खुलासा। परीक्षा से पहले फर्जी परीक्षार्थी समेत दो युवतियों को पकड़ा। किसान छात्रावास से पकड़ा गया दोनों युवतियों को। युवतियों का नाम है प्रमिला और अनन्या विश्नोई। मूल रूप से जालौर की रहने वाली है दोनों युवतियां। किसान छात्रावास में रहकर रीट की तैयारी कर रही थी। प्रमिला की जगह अनन्या विश्नोई देने वाली थी रीट की परीक्षा। दोनों के पास से फोटो लगे हुए फर्जी एडमिट कार्ड भी बरामद कर लिए गए हैं। 10 लाख रुपए में तय हुआ था ये पूरा सौदा। साल 2019 से दोनों एक साथ रह रही थी किसान छात्रावास में। पकड़े जाने के बाद दोनों युवतियों ने कबूल किया अपना गुना। सिंधी कैंप थाना प्रभारी गुंजन सोनी ने कार्रवाई की। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, देखिए काफी बड़ा खुलासा है ये। रीट की परीक्षा भी होने ही वाली है और उससे पहले ये इतना बड़ा खुलासा। क्या कुछ अपडेट्स आ रही है? पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या और भी ऐसे फर्जी लोग मिले हैं? ऐसी देखिए बताना चाहूंगा कि लगातार जो पुलिस है रीट के एग्जाम को लेकर मुस्तैद है। और अगर बात की जाए तो रीट के एग्जाम को लेकर एसओजी एटीएस और तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे काम के अंदर लगी हुई कि किसी तरह से इस फर्जीवाड़े को रोका जाए। उसी को लेकर एक इनपुट मिला था और उसमें बात सामने आई थी कि दो फर्जी अभ्यर्थी है जो किसान छात्रावास के अंदर है। खास बात ये थी कि ये दोनों ही युवतियां हैं और इनकी जगह कोई डमी कैंडिडेट है जो एग्जाम देने वाले। मूल रूप से जालौर की रहने वाली ये दोनों युवतियां जिनका नाम प्रमिला और अनन्या बताया जा रहा था। ऐसे के अंदर सूचना पे पुलिस मौके के ऊपर और वहां पे जब छापेमारी कार्रवाई की तो इनके पास से जो फर्जी एडमिट कार्ड बरामद हुए 10 लाख रुपए के अंदर ये पूरा सौदा तय हुआ था। दोनों फर्जी अभ्यर्थी जो थी वहां पे एग्जाम देने वाली थी और एग्जाम देने के बाद वहां से निकलने वाली, क्योंकि एग्जाम देने से पहले ही पुलिस ने इस पूरे खेल का भंडाफोड़ कर दिया। उन दोनों को गिरफ्तार किया, साथ ही अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर की। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है सिंधी कैंप थाना प्रभारी गुंजन सोनी ने। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। जी आयुष जी, बिल्कुल जी। जियाउद्दीन, जिस तरह से आपने बताया कि इस फर्जीवाड़ा का जो खुलासा है वो सिंधी कैंप पुलिस ने कर लिया है, और ये हो सकता है कि और भी इस तरह के फर्जी लोग वहां पर मिले, जिसके लिए काम फिलहाल जारी है, पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन और क्या कुछ तैयारियां पुलिस ने कर रखी है इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए? देखिएगा कि सबसे बड़ी बात है कि एसओजी की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की पूरे राजस्थान भर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जो संदिग्ध लोग हैं जिन पे शक है और कंफर्म हो सकता है कि ये पेपर आउट करवा सकते हैं या डमी कैंडिडेट बिठा के नकल करवा सकते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है पुरजोर तरीके। नतीजा ये रहा कि कल से अब तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कार्रवाई एसओजी की निर्देश के ऊपर पुलिस कर चुकी है और अन्य कार्रवाई आज भी हो सकती है।
क्योंकि अब इस मामले को लेकर क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा है, 16 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसके अंदर एग्जाम देंगे और सबसे बोले सरकार सामने भी चुनौती है कि पूरी पारदर्शिता से इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाए, किसी तरह का फर्जीवाड़ा इस परीक्षा के अंदर ना हो और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि इस बार ना तो पेपर आउट हो पाए और ना ही कोई फर्जीवाड़ा इस परीक्षा में हो पाए। जी जी बिल्कुल जी, जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा कर